वेलकम टू खाना हंगामा। आज हम एक और अलग तरीके की कटहल की सब्जी लेकर आए हैं आपके लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के प्याज पीस कर रख लिए हैं। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 5 लहसुन की कलियां थी जो मैंने इकट्ठी पीस ली हैं। यहाँ पर कटहल आप कच्चा भी ले सकते हैं, भुनने की तलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल डाल के इस नॉनस्टिक पैन में इसको हल्का सा रेड कर लिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कुकर में 2 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें जब तेल गर्म हो जाएगा, तेल इनका गर्म हो ही गया, तो हम इसमें 1 तेज पत्ता डाल रहे हैं, 3 इलायची है और 1 चम्मच जीरा है। तो इसको तड़कने देंगे अब हम। जब तड़क गया है तो हम इसमें प्याज डाल रहे हैं और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि कद्दूकस किए हुए प्याज को भूनने में टाइम लगता है और मीडियम सेक पे हम करेंगे इसको। कद्दूकस नहीं, सॉरी, पिसा हुआ, और मीडियम सेक पर हम इसको भूनेंगे। तो जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर भी डाल देंगे और फिर टमाटर के साथ इसको भूनेंगे वही मीडियम सेक पर ही, तब तक जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे और पानी अच्छे से सूख ना जाए। ये देखिए इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है और बहुत ज़्यादा हमने तेल नहीं डाला था इसलिए बहुत ज़्यादा तेल नहीं छूट रहा, पर ये हल्का हल्का तेल ऊपर आने लग गया है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसालों में मैं यहाँ पर डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 में चम्मच कुटी हुई मिर्च भी डालूंगी तीखेपन के लिए, और जीरा पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मैंने पहले भी डाल दिया था ताकि ये पक जाए अच्छे से प्याज और टमाटर। और देखिए जो भी थोड़ा बहुत तेल निकल सकता था और निकलने लग गया नमक डालते ही। तो अब हम इसमें कटहल डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। थोड़ा सा ये भी भून गया है कटहल, तो अब हम इसमें 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला और 1 चम्मच जितनी कसूरी मेथी हाथ से क्रश कर दी है ये डाल के मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये सब कम से एक पर कर रहे हैं अब हम, क्योंकि मसाला नीचे डल सकता है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, इसकी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। तो
इतना डालेंगे कि ग्रेवी थोड़ी सी रहे, बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं डालेंगे कि बहुत ज्यादा पतली ग्रेवी हो जाए। तो साथ साथ चलाते चलाते हम देख रहे थे इसको, ग्रेवी को थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि पानी उड़ेगा भी जब हम इसको दिलवाएंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और दो विसल दिलवाकर उसके बाद 2 से 3 मिनट तक कम सेक पर रखेंगे, फिर ढक्कन, फिर गैस बंद करके और हम इसको डीप्रेशराइज होने देंगे। ढक्कन लगा दिया है हमने, सेक टेस्ट कर दिया है और अब इसको 2 विसल दिलवाएंगे। हमारी कटहल ग्रेवी बनकर तैयार है। इसको आप चावल, रोटी, पराठी कैसे भी परोस सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी है, हल्का हल्का ग्रेवी किया है। चावल के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी करना पड़ सकता है, पर वैसे ये ऐसे ही लटपटा अच्छा लगता है, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी। तो बना के देखिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन कमिंग बैक, बाय बाय।